हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के बना रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्मार्ट वर्क करने का तरीका जैसा कि आजकल मैं सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है। अब यहाँ पर ये डेटा देख सकते हैं जिसमें नेम ऑफ स्टूडेंट है, जिसमें कुछ बच्चों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स में मार्क्स गेन किए हैं और फिर वो मार्क्स जो है यहाँ पे फिट कर दिए हैं मैंने, और यहाँ पर इनका टोटल कैलकुलेट किया है सम फॉर्मूले की मदद से और फिर एवरेज फॉर्मूले की मदद से यहाँ पे एवरेज भी कैलकुलेट किया है। तो अगर आपको यहाँ पर पाइवोट टेबल लगाना है तो आप पूरे डेटा को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, इंसर्ट टैब पे जाते हैं, फिर यहाँ पर पाइवोट टेबल आपको मिलती है, फिर यहाँ से जाके आप पाइवोट टेबल लगाते हैं। यानी ये पाइवोट टेबल आ गई। फिर आपको सेम सीट पे चाहिए, कैसा चाहिए, सेम सीट पे चाहिए कि अलग सीट पे चाहिए, ये सारी चीजें आप देखते हैं। तो ये ट्रेडिशनल मेथड हो गया भाई, हमें स्मार्ट वर्क करना है तो हमें उस तो अलग करना होगा। तो चलिए समझते हैं क्या अलग करेंगे हम। तो कहीं पर भी आप अपने डेटा में कहीं पर भी माउस से क्लिक कर दीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको एक शॉर्टकट की बताता हूं, उसकी मदद से हम पाइवोट टेबल इंसर्ट कराएंगे। वो शॉर्टकट की क्या है, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले आपको प्रेस करना है एक बार अल्ट। अल्ट प्रेस कर दिया आपने, अब आप प्रेस करिएगा डी, फिर प्रेस कीजिएगा पी। जैसे ही अल्ट डी पी प्रेस करते हैं तो ये विंडो ओपन हो जाती है, और ये विंडो ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। देख सकते हैं ये आया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट और डेटाबेस, ठीक है। तो इसी पे टिक रहते हुए यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अगर आप माउस का यूज नहीं करना चाहते तो टैब बटन प्रेस करके एक बार एंटर प्रेस कीजिए, ठीक है। यहां पर आपका पूरा डेटा आ जाता है सिलेक्शन में, ठीक है। अब ये पूरा डेटा सिलेक्शन में लेने के बाद आपका कर्सर नेक्स्ट पे है। अगर नेक्स्ट से कहीं और चला गया हो तो टैब बटन प्रेस करके आप लेके आ सकते हैं उसको नेक्स्ट पर। एंटर प्रेस कीजिए और यहां पर ये आ गया। आपको पाइवोट टेबल कहां पे चाहिए, हमें न्यू वर्कशीट पे चाहिए। अगर आपको एग्जिस्टिंग पे चाहिए तो प्रेस करके एग्जिस्टिंग पे भी जा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर आ गए हम, तो अभी हमें कहां जाना है, नेक्स्ट पे जाना है और फिनिश कर देना है इसको, ठीक है। न्यू वर्कशीट पे ही हमें चाहिए, तो यहां पर आकर के फिनिश पे कर देते हैं क्लिक। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, क्रिएट करा सकते हैं। आई होप कि बात आपके समझ में आई होगी। यहां पर देखिए नीचे और भी डेटा है, तो आप इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए। आप चाहे तो इसको माउस से का यूज नहीं करके सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड के भी मदद से आप कर सकते हैं ऐसा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।